इस वीडियो में बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन के बारे में। नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डाटा को मॉडल करते वक्त किसी स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म जैसे कि लीनियर या पॉलिनोमियल को अज्यूम नहीं करती। इसका मकसद ये है कि डाटा के अंडरलाइंग रिलेशनशिप को बिना किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के कैप्चर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डाटा एनालिसिस। इकोनॉमिक डाटा में नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन को यूज़ किया जाता है। यहाँ रिलेशनशिप कम्प्लेक्स हो सकती है और ट्रेडिशनल पैरामीट्रिक मॉडल फिट नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान कम्प्लेक्स और नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल करना। इसी तरह मेडिकल रिसर्च भी इसकी एक एग्जाम्पल है। मेडिकल स्टडीज़ में नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन को यूज़ करके डिजीज प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के बायोमार्कर्स और हेल्थ आउटकम के दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कैप्चर करना। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसमें डाटा के अंडरलाइंग रिलेशनशिप को बिना किसी प्री डिफाइंड मॉडल स्ट्रक्चर के कैप्चर किया जाता है, यानी फ्लैक्सीबल मॉडलिंग की जाती है। इसके अलावा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एनालाइज किए जाते हैं, यानी नॉन लीनियर और कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्यूरेटली मॉडल किया जाता है। इसी तरह प्रेडिक्शन एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाता है, यानी बेटर प्रेडिक्शन और इनसाइट्स को प्रोवाइड करना बाय अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस। सो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। सो नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन मॉडल फ्लेक्सिबल हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म को इम्पोज नहीं करते, जो डाटा के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बेटर कैप्चर करते हैं। और इसी तरह कम्प्लेक्स और नॉन लीनियर रिलेशनशिप को एक्यूरेटली एनालाइज करने में ये हेल्प करते हैं, यानी एक्यूरेट एनालिसिस इसमें किया जाता है। इसके अलावा पैरामीट्रिक अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती, जो मॉडल एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है, यानी इसमें अजम्पशंस रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं यूजेस की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और आउटकम्स के दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन लेवल और हेल्थ आउटकम के दरमियान कम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज को मॉडल किया जाता है। इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है, मतलब इंजीनियरिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मशीनरी परफॉर्मेंस और एनवायरमेंटल कंडीशन के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करना। सो नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल टेक्निक है जो डाटा के कम्प्लेक्स और नॉन लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए यूज होती है बिना किसी प्री डिफाइंड फंक्शनल फॉर्म के। इसका यूज़ फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में होता है। यहाँ एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल मॉडलिंग जरूरी होती है। नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन से डाटा की अंडरलाइन पैटर्न और ट्रेंड को बेटर समझा जा सकता है और प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आई होप सो आपको नॉन पैरामीट्रिक रिग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।